जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर 1,11,11,111 रुपए का इनाम रखने वाला राज शेखावत की यह भाषा आपने सुनी हो। छत्री करणी सेना के प्रमुख के तौर पर कथित इस व्यक्ति ने लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर इतना बड़ा इनाम रखा था, लेकिन अब इसी राज शेखावत के पैर कांप रहे हैं और पैर इसलिए कांप रहे हैं क्योंकि इसकी भी अब सुपारी किसी ने दे दी है, वो भी 2 गुने दाम पर, यानी करीब 1.5 करोड़ रुपए की, और उसके बाद इसने अपनी जान को खतरा बताया है। राज शेखावत ने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने और उसके गैंग ने उसके नाम की सुपारी निकाल दी है। इस सुपारी निकाले जाने के बाद उसका कभी भी मर्डर हो सकता है, उसकी हत्या हो सकती है। लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने पर इसने पुलिस कर्मियों को ये इनाम देने की घोषणा की थी, लेकिन इस घोषणा के 1 हफ्ते के अंदर ही अब इसके हाथ पांव फूल गए हैं। राज शेखावत ने अब आरोप लगा दिया है कि बिश्नोई गैंग ने बिहार में उनके नाम की सुपारी दे दी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि उनके मन में कोई खौफ नहीं है, लेकिन उन्हें अब सुरक्षा मिलनी चाहिए। राज शेखावत ने हाल ही में ये ऐलान किया था कि लॉरेंस बिश्नोई को जो भी उनके जेल में या बाहर पुलिसकर्मी जो भी लॉरेंस को मारेगा या उसका एनकाउंटर कर देगा तो उसको उनका संगठन 1,11,11,111 रुपए इनाम देगा। अब उसका कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई उसके खिलाफ साजिश रच रहा है। आपको बता दें, छत्री करणी सेना से करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अगर एक एक आदमी एक एक रुपए भी देगा तो ये करोड़ों में पहुंच जाएगा, लेकिन ये इनामी राशि लॉरेंस बिश्नोई के मारे जाने के बाद बांटने से पहले ही राज शेखावत सख्ते में आ गए हैं और राज शेखावत अब अपनी सुरक्षा की भीख मांग रहे हैं। और राज शेखावत भले ही करणी सेना के अपने आप को तथाकथित तौर पर अध्यक्ष और सबसे प्रमुख बताते हों, लेकिन राज शेखावत की इस मंशा पर अब लोग सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया है कि राज शेखावत को दरअसल सुरक्षा चाहिए थी, नाम चाहिए थी, इसीलिए उसने लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया था। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त साबरमती जेल में बंद है और तन्हाई बैरक में रहता है, वो भी हाई सिक्योरिटी बैरक में। आपको बता दें कि लॉरेंस, जिससे कई सालों से कोई मिला नहीं है, उसके गैंग ने बाबा सिद्दीकी, जो कि NCP के विधायक रह चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उन्हें मार दिया था। मुंबई में इस गैंगस्टर की तरफ से इस मर्डर की जिम्मेदारी ले ली गई। लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर से इस मर्डर के बाद चर्चा में आ गए और सलमान खान से लेकर के पूरी फिल्म इंडस्ट्री इस घटनाक्रम से हिली हुई है। अब इस मामले को लेकर के भी पुलिस कई बार कह चुकी है कि शायद लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है या नहीं, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शूटर्स ने इस घटना को लेकर के, हो सकता है कि खुद ही बाबा सिद्दीकी की इन्होंने खुद सुपारी ली हो और बिश्नोई को इसके बारे में कोई जानकारी ना हो, लेकिन चूंकि ये शूटर्स लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए हैं इसीलिए उसका नाम ले रहे हैं। आपको बता दें कि राज शेखावत छत्री करणी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जाने जाते हैं। राज शेखावत ने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो अपना जारी किया था और इसमें उन्होंने ये पूरी बात लिखी थी। दरअसल करणी सेना के इस प्रमुख के सोशल मीडिया पर अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं और करीब 4.5 लाख से ज़्यादा इंस्टाग्राम पर लोग इन्हें फॉलो करते हैं, इनकी बात को सुनते हैं, और इन्होंने बकायदा राजस्थान में चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वहाँ बड़ी हार मिली थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए 1 इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।